पटना एनआईए कोर्ट में 9 आरोपी आतंकियों की पेशी। बोधगया ब्लास्ट के आरोपी एक माह के रिमांड पर। वर्तमान ब्लास्ट मामले में होगी पूछताछ। 3 साल बाद कल लालू आ सकते हैं पटना। डॉक्टरों ने दी जर्नी की परमिशन। उपचुनाव में तेजस्वी की बढ़ेगी ताकत। पटना में पुलिस टीम पर हमला। फायरिंग में एक युवक की मौत। इंस्पेक्टर समेत 20 पुलिस वाले जख्मी। चुनाव प्रचार रोकने गई थी पुलिस। मुजफ्फरपुर में यात्री का कैश और सामान ले उड़ा ड्राइवर। ऑटो साइड करने के बहाने यात्री का सामान व 70,000 कैश लेकर। सेना भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए राष्ट्रपति को पत्र। 9 महीने से नहीं हुआ एग्जाम, लंबित परीक्षा जल्द करवाने की गुहार लगाई। मोतिहारी में गैस सिलेंडर से लगी आग, 3 झुलसे। रघुनाथपुर में चाय बनाने के दौरान सिलेंडर से निकला पाइप, पति पत्नी सहित बच्चा झुलसा। पंचायत चुनाव के 5वें चरण का मतदान कल। 38 जिलों के 58 प्रखंडों में होगा मतदान। 9वें चरण के सीटों पर आज से नामांकन। बहाली की मांग के लिए अभ्यर्थी करेंगे प्रदर्शन। 27 अक्टूबर को ट्विटर पर चलाए जाएंगे BSSC वादा पूरा करो #। 1 से 3 नवंबर तक अनशन। 4वें चरण की मतगणना 2 दिन में जारी। 26 मुखिया पदों पर अभी रिजल्ट का इंतजार। 761 का आया परिणाम। पूर्णिया में छात्रा से छिनताई। कोचिंग से पढ़ाई कर लौट रही छात्रा से बदमाशों ने छीना मोबाइल। रिक्शा से गिराकर किया घायल। बिहार में फिर हो सकती है बारिश। अगले 24 घंटे में पूर्णिया, कटिहार, सुपौल सहित 7 जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना। बगहा में महिला की हत्या कर खेत में फेंका शव। घास काटने खेत में गई थी महिला, पति केरल में गया है कमाने। बेगूसराय में हादसा, एक बालक की मौत। घर से किराना सामान लाने जा रहा था, हाईवे पर तेज रफ्तार बस ने रौंद दिया। झारखंड का मास्टरमाइंड देश में चला रहा पोर्नोग्राफी नेटवर्क। केरल पुलिस ने झारखंड पुलिस को दिया सरगना का ठिकाना। गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। पिकअप वैन से हथियारों की तस्करी। लखीसराय में STF की दबिश। अधूरे बने 18 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किए गए 2 हथियार तस्कर।